नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सुंदर रसोई चैनल में बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। आज हम बनाएंगे आलू मटर की सब्ज़ी। अगर आप इस तरह से आलू मटर की सब्ज़ी बनाते हैं तो आप उंगलियाँ चाटते रह जाएंगे, यह बहुत ही टेस्टी सब्ज़ी बनेगी। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो आलू और मटर को हमने पहले से ही उबाल के रख लिया है, इसका हम छिलका निकाल लेते हैं। हमने सारे आलू मटर को छील लिया है। अब आलू को हम इस तरह से फोड़ेंगे, आप इसे चाकू से ना काटें, हाथ से फोड़ के इस तरह से अगर आप बनाएंगे सब्ज़ी तो बहुत ही स्वादिष्ट बनेगी। हाथ से बनाने से हमारी सब्ज़ी का टेस्ट और भी बढ़ जाता है। हमने सारी मटर को नहीं फोड़ा है, आधी मटर को फोड़ लेते हैं और आधी मटर को हम खड़ा ही रहने देंगे। अब हमारी आलू मटर रेडी हो गई है, अब हम सब्जी को बनाना स्टार्ट करते हैं। गैस को कर देते हैं ऑन और अब हम इस पे कढ़ाई चढ़ा देंगे। कढ़ाई जब हमारी गर्म हो जाएगी तब हम इसमें तेल डालेंगे। अब हम तेल डाल देते हैं। तेल गरम हो गया है, अब इसमें हम जीरा डाल देंगे। आज हम बिना लहसुन प्याज के ही सब्जी बनाएंगे। और ये हरी मिर्च है, हरी मिर्च की जगह आप लाल मिर्च का पाउडर भी ले सकते हैं। और ये हमने अदरक डाल दिया है, अदरक को हमने घिस लिया था। अभी इन सारी चीज़ों को हम अच्छे से पका लेंगे। अब हम मसालों को मिलाएंगे, ये हल्दी पाउडर, नमक,
धनिया पाउडर, सब्जी मसाला, और थोड़ा सा हम गरम मसाला मिला देते हैं। अब हम आलू और मटर को मिला देते हैं। आलू और मटर को हम मसालों में अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हमारी सब्जी अच्छे से मिक्स हो गई है। अब इसमें हम पानी मिलाएंगे। हम रसे वाली सब्जी बना रहे हैं, अगर आप सूखी सब्जी बनाना चाहते हैं तो आप पानी ना मिलाएं। पानी आप अपने अनुसार भी मिला सकते हैं, कम या ज़्यादा। इस तरह से हम सब्जी को चला लेंगे। इसमें हम एक चुटकी के करीब हींग डाल दी है। हींग डालने से आप कितनी भी सब्जी खा लेंगे तो आप को नुकसान नहीं करेगी और हमारा डाइजेशन भी ठीक रहेगा। स्वाद अनुसार नमक मिला लिए हैं। अब इसे हम 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे। आप इसे बीच में एक दो बार चला लें। अब हम टमाटर को डाल देंगे। और इसे हम फिर से 5 मिनट के लिए ढक के रख देंगे और हमारी सब्जी बनके रेडी हो जाएगी। देखिए 5 मिनट हो गए हैं। अब हम सब्जी को देखते हैं। देखिए हमारे टमाटर भी अच्छे से पक चुके हैं और हमारी सब्जी का पानी भी कम हो गया है। अब हम गैस को कर देते हैं बंद और अब हम हरी धनिया डाल देते हैं। धनिया डालने से हमारी सब्जी का टेस्ट और भी बढ़ जाएगा। देखिए हमारी सब्जी बनके रेडी हो गई है। आप इसे चावल के साथ खाएं, रोटी के साथ खाएं, यह बहुत ही स्वादिष्ट है। तो आप लोग इस तरह से आलू मटर की सब्जी एक बार ज़रूर बनाएं। दोस्तों अगर आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों से शेयर करें, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं मेरी रेसिपी कैसी लगी। अगली वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए राधे राधे।